चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है टरबाइन। टरबाइन इन द सेंस आज हम बात करेंगे स्टीम टरबाइन की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टरबाइन का क्या वर्क है। देखिए, टरबाइन का मेनली वर्क जो रहता है वो होता है आपकी काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये आपका, तो जैसे मान लीजिए आपका ये बॉयलर है, बॉयलर से आपकी क्या हुई, स्टीम जनरेट की हम लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो आपकी स्टीम है ये काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होगी। तो हम बात करें तो बॉयलर में हम क्या करते हैं, एक हम क्या करते हैं, नोजल की सेटिंग करते हैं। नोजल का क्या वर्क होता है, नोजल का वर्क होता है कि स्टीम के ये प्रेशर को क्या करता है, कम करता है और इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है कि नोजल, द वर्क ऑफ नोजल इज, फिर वो आपको ऑप्शन देगा कि इट इंक्रीज द प्रेशर या इट इंक्रीज द वेलोसिटी, इस तरह से आपके ऑप्शन आएंगे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखोगे कि नोजल का वर्क होता है प्रेशर। नोजल में क्या होता है, आपका प्रेशर की वैल्यू कम होगी जबकि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी रिसेंटली जो आपका UP SSSC JEE का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था। ठीक है, आप ये याद रखोगे। उसके बाद नोजल से जब स्टीम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तो वो कहाँ भेजी जाती है, उसके बाद नोजल से आती है आपकी स्टीम कहाँ पर, टरबाइन पर। टरबाइन का क्या वर्क होता है, टरबाइन का वर्क होता है कि जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसे आप ये उसको क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ टरबाइन। तो आप याद रखोगे कि ये काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हमें आउटपुट में क्या मिलता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टरबाइन में से मैं अभी उतना ज़्यादा वर्किंग, उसका प्रिंसिपल, ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रही हूँ कि क्वेश्चंस आपके क्या बन सकते हैं इससे। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है टरबाइन का तो एक लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती है, तो मेनली आपकी ये 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, दूसरा है आपकी रिएक्शन टरबाइन, ठीक है, और तीसरा है आपका प्योर रिएक्शन टरबाइन, प्योर रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि इम्पल्स टरबाइन, तो देखिए इम्पल्स टरबाइन, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि इम्पल्स टरबाइन कौन से लॉ पे वर्क करती है। तो जो इम्पल्स टरबाइन है वो आपकी न्यूटन के सेकेंड लॉ पे वर्क करती है। जो आपकी रिएक्शन टरबाइन है वो न्यूटन के सेकेंड और जो आपका थर्ड लॉ, ये दोनों पर वर्क करती है। ठीक है, जबकि आपकी प्योर रिएक्शन टरबाइन जो है वो न्यूटन के ओनली थर्ड लॉ पर वर्क करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ रिएक्शन की, इम्पल्स टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इम्पल्स टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 0 होती है, ये याद रखना, आता है आपके एग्जाम में। प्योर रिएक्शन टरबाइन की जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, जबकि जो आपका रिएक्शन टरबाइन है उसकी डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 से ज़्यादा और 1 से कम होती है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखोगे, प्योर रिएक्शन टरबाइन की डिग्री ऑफ रिएक्शन 1, रिएक्शन की मोर देन 0 बट लेस देन 1, इम्पल्स टरबाइन इज इक्वल टू 0। ओके, ये चीज़ आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन की। देखिए, जो इम्पल्स टरबाइन रहता है और जो रिएक्शन टरबाइन होता है, इसका एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, नोजल होती हैं, इसमें आपका फिक्स्ड ब्लेड होता है और मूविंग ब्लेड होता है। ठीक है, मूविंग ब्लेड होता है, जबकि आपकी जो रिएक्शन टरबाइन है इसमें आपका ओनली फिक्स्ड ब्लेड होगा और आपका मूविंग ब्लेड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखोगे।
इम्पल्स टरबाइन में जो नोजल का वर्क है, मैंने अभी आपको बताया कि नोजल में क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर आपका कम होगा और आपकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। जबकि फिक्स्ड ब्लेड में क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। मूविंग ब्लेड में आपका क्या होता है, मूविंग ब्लेड में आपका होता है कि आपका प्रेशर तो कांस्टेंट रहता है, जबकि आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब मैं बात करूँ रिएक्शन टरबाइन की, तो आप याद रखोगे कि जो इम्पल्स टरबाइन में नोजल का वर्क होता है, वही रिएक्शन टरबाइन में फिक्स्ड ब्लेड की वर्क होती है, ठीक है। तो फिक्स्ड ब्लेड में भी क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ेगी। जबकि मूविंग ब्लेड में क्या होता है, आपका प्रेशर भी कम होता है और वेलोसिटी भी कम होती है। ये आपसे एसएससी जेई में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखोगे, ठीक है। तो ये था आज के आपके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है या ये वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।